ये कॉलम है यहां पे आर्मेचर का कनेक्शन है इधर और इसका जो कूलिंग किया जाता है तो उसको यहीं से यहीं पे हवा का डक लगाना है। क्या है कूल क्या है सुन लीजिए, यहाँ पे जो हवा का जो डक लगा होता है यहीं पे, इसी के थ्रू हवा इसके अंदर फोर्स किया जाता है और इसे ये कूलिंग होता है। और इसके अंदर में क्या लगा होता है, वो रोटर, वही रोटर, वही कम्यूटेटर जिसका सुना है, कम्यूटेटर कम्यूटेटर वो देखिए पॉपर का बना हुआ है, इसी के ऊपर कार्बन ब्रश लगे हुए कार्बन ब्रश ऊपर लगे हुए आगे दिखाते हैं। ये क्या है, ये वही वाला मोटर है, रनिंग के लिए लगा दिया गया, बंद हो जाएगा फिर ऐसे देखेंगे सर। अभी लंच आ रहा है, चलो लंच हो गया, एक बजे जब उसको बन जाता है ना नया नया, जब कार्बन ब्रश लगाते हैं तो बैटिंग अच्छा होना चाहिए, उसको काफ़ी देर तक चला दो गर्म करके देखा जाता है, सब कुछ सही है ना, टेम्परेचर वगैरह अच्छा है कि मेरा बैलेंस ठीक हो रहा है। यहाँ किस हो रहा है इसका यूज क्या है, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश है, ये ब्रश उसी में लगाता है ना डीसी में, ये कैसे लगा हुआ है सर, कार्बन ब्रश में बोलते हैं इसमें वायर, कार्बन ब्रश में बोलते हैं वायर अंदर है, ये कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है, सर अंदर क्या हो गया, मैं भी देख रहा हूं, स्क्रीन का लोड पड़ गया, अलग अलग गेट किया नीचे दिया हुआ है, चौवाला सेक्शन यहाँ पर ये रोटेट करता है उसको, ये जब क्या होता है टच मोटर जब स्टार्ट होगा तो ये रोटेट घुमाएगा ना, उसको घुमाएगा तो रोटेट के साथ साफ के साथ ये लगा हुआ है, ये रोटेट होगा, ये भी घूमेगा, ये घूमेगा तो एक और गियर के साथ लगा, ये बड़े वाले गियर के साथ जो कि एक्सल से लगा होता है, व्हील से लगा होता है, तो व्हील को घुमाता है। आप चलाएंगे ट्रेन चलाएंगे, ये कैसे है, ये गियर कितने लगे, आपका व्हील कैसे घूमता है आपका, जब ये मोटर स्टार्ट होता है इसमें ठीक है, आपका ये जो घूमेगा तो उसके ये गियर लगा हुआ है, इस गियर के थ्रू ही पावर का ट्रांसमिशन यहाँ से क्या मिल रहा है, मैकेनिकल पावर मिल रहा है, मोटर का हम लोग क्या डिफरेंस करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर,
ठीक है, तो इससे मैकेनिकल आउटपुट ले रहा है और ये आउटपुट क्या कर रहा है, जो व्हील के साथ लगे होते हैं गियर उसके साथ अटैच होता है, जब ये घूमेगा तो व्हील को भी घुमाएगा। सर ऐसे ऐसे कितने डीसी मोटर लगे होते हैं? लगे होते हैं एक इंजन में। बारह हो जाएगा, बारह चक्के एक एक्सल है ना, एक एक्सल है तो एक लीटर रहेगा, छह मोटर होगा तो छह दुनी बारह, एक एक्सल बिल्कुल लगा दिया, दुनी बारह हो जाएगा, बारह चक्के एक एक्सल है ना, एक एक्सल है तो एक लीटर रहेगा, छह मोटर होगा तो छह दुनी बारह, एक एक्सल। ये इंडक्शन मोटर थ्री फेज मोटर है, बोलते हैं उसमें ये मोटर लगा है। 850 किलो वाट इसका पावर कांस्टेंट कंटिन्यूस पावर है, स्पीड जो है 1283 आरपीएम है, वोल्टेज है 2180 वोल्ट तक ये काम कर सकता है, और करंट जो है 270 एम्पीयर, फ्रीक्वेंसी है 65 हर्ट्ज तक। इसमें क्या करता है, इसका स्पीड कंट्रोल होता है ना, इसका स्पीड कंट्रोल वीएफ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, उसके थ्रू इसका स्पीड कंट्रोल किया जाता है, मतलब वोल्टेज को वेरी कराया जाता है, फ्रीक्वेंसी को वेरी कराया जाता है, उसके साथ ही इसका जो होता है स्पीड का कंट्रोलिंग होता है। राजधानी में नहीं, जितने भी आपको आने वाले WAG 9 या WAG 7 जिसको बोलते हैं, या WAG 12 जो भी आए सब ये तरह से ये सब जो है उनको बोलते हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं बस भारतीय रेल लिखा हुआ है, ऐसे ले जाओ थोड़ी।